दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों को बताऊं, कि उससे पहले मैं आप लोगों को एक पुरानी कहावत याद दिलाना चाहूंगा कि भाई, अगर आपको बिच्छू का मंतर नहीं आता है ना, तो भैया आपको अजगर के बिल में उंगली नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसी गलती करोगे तो भैया आपके साथ भी वैसा ही होगा जैसा कि इन दिनों खिलाड़ी कुमार के साथ हो रहा है। यानी कि भैया खिलाड़ी कुमार को वर्ल्ड के सबसे बड़े रेसलर की तरफ से चुनौती मिली है इस बात की कि भैया अगर आप तैयार हैं तो मुझे बताइएगा रियल रीमैच के लिए। तो दोस्तों, क्या ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार से। और उसके साथ भैया WWF के भैया इस सदी के सबसे बड़े रेसलर यानी कि अंडरटेकर से। तो दोस्तों, अंडरटेकर ने खिलाड़ी कुमार को चेतावनी दी है यानी कि भैया उनको ये बात कही है एक ट्वीट के माध्यम से कि भाई साहब अगर आप तैयार हो तो भैया मुझे बताइएगा रियल रीमैच के लिए। तो भैया ऐसा क्यों कहा है अंडरटेकर ने खिलाड़ी कुमार को, तो भैया इसका कारण 25 साल पहले से जुड़ा है। यानी कि भैया हाल फिलहाल में ही मैंने आपको यह खबर बताई थी कि भैया अक्षय कुमार की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि खिलाड़ियों के खिलाड़ी के 25 साल हो चुके हैं और भाई इस फिल्म में अक्षय कुमार ने अंडरटेकर को हराया था। और भाई उस वक्त तो लोगों को ऐसा ही लगता था कि भैया इस फिल्म में असली अंडरटेकर से मुकाबला हुआ था अक्षय कुमार का और अक्षय कुमार ने बेहतरीन एक्शन के माध्यम से अंडरटेकर को इस फिल्म में हरा दिया था। तो दोस्तों, हाल फिलहाल में ही जब इस फिल्म ने अपने 25 साल पूरे किए और भाई इस खबर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी सुर्खियां बटोरी, तो भैया उसके साथ ये खबर असली अंडरटेकर तक पहुंच गई और भाई अंडरटेकर ने खिलाड़ी कुमार को आवेदन दे दिया कि भैया अगर आप तैयार हो पूरी तरीके से तो भैया आप हमें बता दीजिएगा रियल रीमैच के लिए। और भाई जैसे ही ये आवेदन पहुंचा किसके पास, तो भैया खिलाड़ी कुमार के पास, तो भैया खिलाड़ी कुमार ने भी बहुत ही फनी अंदाज में जवाब दिया अंडरटेकर को कि भाई साहब पहले मुझे मेरा इंश्योरेंस चेक कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भैया क्या वो ये मैच खेल सकते हैं अंडरटेकर के साथ। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भाई अंडरटेकर ने तो सीधी सीधी चुनौती दे दी है खिलाड़ी कुमार को कि भाई उस वक्त तो आपने असली मैच नहीं खेला था, अभी आ जाइए रियल रीमैच खेलते हैं। तो अगर ये रियल रीमैच होता है तो भाई इस बार किसकी विजय होगी, आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वॉर इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।